हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट ऑफ फूड में आपका स्वागत है। मैं अत्तिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है एगलेस अनियन मसाला बंस। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इन्हें इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। तो आइए अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम एक बोल लेंगे, उसमें हाफ कप दूध डालेंगे। दूध हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसे हम हल्का ही गर्म करेंगे। दूध डालने के बाद अब मैं 1 टेबल स्पून चीनी डालूंगी। साथ ही में मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट लिया है, उसे भी डाल दूंगी। अब हम इन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके 30 मिनट्स के लिए एक साइड पर रख दूंगी। अब हम फिर से एक बोल लेंगे, उसमें हाफ कप मैदा डालूंगी और हाफ कप गेहूं का आटा डालूंगी। यानी जितना हमने मैदा लिया है उतना ही आटा लिया है। अगर आप इसे ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ गेहूं का आटा ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, साथ ही में 1/2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे और इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 30 मिनट के बाद हमारा मिल्क जो है वो फ्रॉथी हो गया है, यानी कि जो हमारे ड्राई यीस्ट है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसे अपने आटे और मैदे के मिक्सचर में डालेंगे। साथ ही में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और इसे डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। साथ ही में मैंने 2 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, जिनको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। साथ ही में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून हम जीरा डालेंगे। मैंने यहाँ पर बिना भुना हुआ जीरा लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए इनका एक अच्छे से डो बना लेंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल ले रही हूँ, जिसे अपने हाथों पर लगा लेंगे हम और फिर अपने डो को मलेंगे, जिससे हमारा डो है वो हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं। अगर आपको फिर भी आटा मलते हुए ये स्टिकी लग रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा या थोड़ा सा आटा इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको आसान हो जाएगा। हमें इसे इसी तरीके से मलते हुए 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही मलना है। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से एक राउंड शेप की बॉल बना लूँगी और इसे हम अपने बॉल में रख देंगे। इसे रखने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसे कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए हम किसी भी गर्म जगह पर इसे रख देंगे। अब 2 घंटे हो गए हैं हमारे मसाला बंस के डो को एक साइड पर रखे हुए। अब हम इसे चेक करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमने रखा था और जो अब इसका साइज़ है, ये डबल हो चुका है। अब हम इसे अपने किचन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पर मैदा डाला है। अब हम इसके ऊपर अपने डो को रखते हुए अच्छे से इसे मलते हुए हम बहुत ही इसे स्मूथ और अच्छा इसका बना लेंगे। हमें ये 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही मलना है। हम इसे मलते हुए 2 मिनट हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा बटर लूँगी और इसके ऊपर लगा लूँगी और इसे एक बार अच्छे से मलकर इसकी एक बॉल बना लूँगी। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उस पर मैंने बटर पेपर रखा है और अब मैं इसके ऊपर बटर लगा लूँगी और इसकी अच्छे से ग्रीसिंग कर लूँगी। ग्रीसिंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके बाद जो हमने डो बनाकर रखा हुआ है उसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, यानी कि अपने बंस बना लेंगे और इसे हम अपनी बेकिंग ट्रे पर साथ के साथ रखते रहेंगे। हम हल्का सा इसे प्रेस कर रहे हैं ताकि इसकी प्रॉपर राउंड शेप ना आए, थोड़ा सा इसकी फ्लैट शेप आए। आप अगर चाहें तो इसे प्रॉपर राउंड शेप के भी बना सकते हैं। जो भी हम बॉल्स बनाएंगे हमारा इक्वल डो लेंगे। हमारे यहाँ पर 9 बंस बने हैं। अब हम अपने सभी बंस के ऊपर मेल्टेड बटर थोड़ा थोड़ा ब्रश से लगा देंगे। इसके बाद हम अपने सभी बंस पर बारीक कटा हुआ थोड़ा थोड़ा प्याज इनके ऊपर हम रख देंगे। साथ ही में बारीक कटा हुआ धनिया भी मैं अपने बंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। उसके बाद मैं पास्ता सीजनिंग लूंगी, उसे इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपको थोड़ा और मसाला अच्छा लगता है तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें कवर करके 20 मिनट के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे कि हमने जो इसमें यीस्ट डाला है उसकी वजह से ये थोड़े से और फूल जाएंगे। अब 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक करने से पहले हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेंगे।
25 मिनट के बाद हमने इन्हें अवन में से निकाल लिया है। ये अच्छे से कुक हो गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इनका कितना अच्छा कलर आया है और ये देखो अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। साथ ही में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।